ये है पाकिस्तान का नंबर वन वेब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विजन न्यूज के साथ मैं हूँ रूज फातिमा और मैं हूँ कानिता इम्तियाज। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिंध हाई कोर्ट ने 6.5 अरब रुपए की करप्शन के नैब रेफरेंस में साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए इनका नाम ECL में डालने का हुक्म दे दिया। शर्जील मेमन ने नैब रेफरेंस में सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर रखी थी। अदालत आलिया ने साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन की दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन इतिहाद टाउन में अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 डकैत हलाक हो गए। अपने साथियों को हलाक करने वाले डकैत मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रोज इतिहाद टाउन के कायम खानी कॉलोनी से 2 अफराद की लाशें मिली जिन्हें फायरिंग से हलाक किया गया था। पंजाब के शहर शेखुपुरा में फिरोजवाला कचहरी के बख्शी खाना हवालात का ताला तोड़कर 3 मुलजमान फरार हो गए। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि गफलत और लापरवाही पर 4 पुलिस अहलकारों समेत 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। कबायली जिला शुमाली वजीरिस्तान में बारूदी सुरंग के धमाके में 1 बच्ची जां बहक और 3 बच्चे जख्मी हो गए। सरकारी जराए के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हमजूनी में बच्चे घर के करीब खेल रहे थे कि इसी दौरान उनका पांव बारूदी सुरंग पर पड़ गया, जिससे धमाका हुआ और 3 सालाहानियां जां बहक हो गई। शिकारपुर की तहसील खानपुर इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच और कार के दरमियान टक्कर के बायस 3 खवातीन समेत 6 अफराद जां बहक और 15 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक खानपुर इंडस हाईवे के नमलाड़ू के मकाम पर मुसाफिर कोच और कार में तसादम हुआ। सनेट में वफाकी बजट के लिए तजावीज मंजूर कर ली जो कौमी असम्बली को सिफारिशात के तौर पर भिजवा दी गई हैं। सिफारिशात के मुताबिक ग्रेड 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा, कम अज कम माहाना उजरत 18,600 रुपये करने और डॉलर की कीमत 150 रुपये पर मुंजमद करने की सिफारिश की गई है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए विजन न्यूज़।